तो मैं अभी आप लोग जो हमारे यहाँ पर जो लोग मेहमान जो बहनों है, अगर आप लोग एक दो मिनट को कुछ कहने मांगते तो प्लीज। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग का अपना लैंग्वेज सुन रहे कह रहे बहुत ही अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह सबको सबके लिए दुआ कीजिएगा, जैसे ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। हम नौ बड़ी से हैं, नौ फैमिली को। मेरा नाम गुलफिशा अहमद, हम भी ढाका नौ फैमिली से है। हम भी वही ढाका ये में आते हैं, ढाका ये लैंग्वेज ही हम लोग को बोलना बहुत पसंद है। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नाम ख्वाजा जैन अहमद है, मैं नौ फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर बहुत दिन माने बहुत पहले से देख रहे थे ढाका या जवान ग्रुप में मैं थे, तो हर रह रहे के देखते बहुत अच्छा लगता, तो इसलिए आज आए यहाँ पर जो बहुत कुछ हिस्ट्री जान सका स्पेशली उनसे उनसे जो उर्दू कहाँ से आया। बिकॉज हम लोग अब भी यंग जनरेशन, हम लोग को बहुत चीज़ फेस करना होता हर जगह में जाते। जैसा वही भाई ने कहीं जो हम लोग को पूछता जो आप लोग क्या बिहारी, आप लोग क्या बॉम्बे से आए, तो मगर हमारा बात हो जाए कि जो हम लोग का अपना जबान, यही जबान हम लोग हर टाइम जहाँ पर भी जाते वहाँ पर डर जाते, इसलिए हम लोग यही चीज़ों को छुपा देते। मगर हम लोग अगर सीना टान के कह सके जे नहीं रो मेरा हमरा हम लोग का जबान। तो वो मेरे साथ एक क्लासमेट भी था, उसका बड़ा भाई भी मेरे साथ क्लासमेट था, हमने दोनों जगह एक साथ ग्रेजुएशन किया। उसको देखिए जज्बा दिखे, मोहब्बत दिखे, वो लंदन से मेरे साथ बहुत कनेक्ट करके एक बाइस का एक प्रोग्राम हो, मैंने कहा तुम आओगे अवश्य आओगे, ताकत में आओगे। हम लोग नजीब भाई बहुत साल बाद आता था, लेकिन एक प्रोग्राम के लिए खास करके आया, तो बेचारा थोड़ा बीमार भी है, खांसी भी, अपने तक दुआ कीजिएगा। तो मैं बिना उपलब्ध की लिखे था और ब्रदर जावेद जिससे फीवर्स बिल्कुल दस पीस गए थे। मेरे अजीज भाई बहनों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीकत आज अपने आप को बहुत ही फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे शिक्षकों के सामने मैं हाजिर हूँ कुछ कहने के लिए। अब चाहूंगा सबसे पहले मैं ये बताएंगे कि मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है। मैं जावेद हूँ, अब नॉन नॉर्थ फैमिली वो क्योंकि मैं अब्रोड से आया हूँ और हम सबको पता है कि वक्त कितना कीमती है, वंस इज गॉन इट नेवर गेट इट बैक, इज गॉन फॉरएवर। लिहाजा मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ आप निकल आए। और दूसरी बात बहुत ही कम टाइम में मैं ये खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी देखिए जी, जो हम लोग ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, ये प्रोग्राम का मस्त पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम आपको जानने पड़े। पर्पज क्या है, ये पर्पज ये है कि हमारा बाप दादा ने जो लफ्ज या अल्फाज इस्तेमाल किया वो लफ्ज को वापस लेके आना है। ये हमारा नजीब भाई का सब करिए, हम लोग का जो मिशन है ये कर। आजकल का जो बच्चे लोग नौजवानों लोग जैसे ढकैया लैंग्वेज में बात करते, मेरा भूख में बैठा हुआ, ये कैसा सवाल है, मेरे सीने में दर्द हुआ। कोई कहता मैं रिक्शा से नामा, रिक्शा से नामा नहीं, रिक्शा से उतरा। कोई कहता मैं बारी के अंदर ढूंढा, अरे कहता दूसरा नहीं घर के अंदर ढूंढा। हम लोग खाए घर कहता आपको बारी कह सकते, मगर ढूंढा क्या, घुसे कहिए, घुसा कहिए। इस किस्म का काफी चीजें हम लोग, वी मस्ट, इट्स क्वाइट इंपेरेटिव इश्यू, वी मस्ट ब्रिंग ऑल दिस लॉस्ट वर्ड्स बैक टू द लाइट लेवल ऑफ यू गाइस इन ऑर्डर टू टीच प्रैक्टिस एंड टीच न्यू जनरेशन। हम लोग का जो न्यू बंदे लोग हमको सिखाना है, ये हम लोग का जो एजेंडा है, आज का एजेंडा यही है। तो As far as Nazir bhai is concerned,
बहुत सारे आदमी नजीब भाई पूरी उसका ग्रुप वाले लोग कहते हैं कि अरे वो उल्टा हो गया, उल्टा सभी को होना है, उल्टा करने से उल्टा सभी को होना है, कोई तो ऐसे पागल हो गया, वो पागल नहीं है, वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ही नहायत शरीफ आदमी है, रिश्ता है मेरे साथ, एवरी सिंगल डे हम बीचों बीच है। देखिए जी उनका भी कहने का एक मसला था कि आप जाइए, आप चाहिए इधर प्रोग्राम करिए, मैं इसलिए आया हूँ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और नजीर भाई के बारे में क्या कहेंगे कि आई पर्सनली आई थिंक यू नो इज अ वंडरफुल लवली पर्सनैलिटी विद ए फुल ऑफ कैरिस्मेटिक इन हिज कैरेक्टर। मैं ये बनाएगा बात है क्या जो कहने मांग रहे थे नजीर भाई के बारे में, एक बात कहने मांग रहे थे कि वो फ्री कोचिंग देने मांग रहे हैं। आप लोग को वो एडवांटेज लेने चाहिए ना, क्योंकि वो साइंस का, मैथमेटिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का, ये सब का वो फ्री कोचिंग देने मांग रहे हैं। आजकल आदमी पैसा देके पाता नहीं और फ्री कोचिंग देने मांग रहे हैं। व्हाई शुड यू मिस इट, जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ इट। मेरा मतलब कहने का एडवांटेज दिया, आप लोग अपने बच्चे लोग को बोलिए कि तुम लोग जाके एक ग्रुप बनाओ, अक्यूमुलेट करो, करके अब तुम लोग फ्री कोचिंग लो। And he's very talented guy. वो अच्छा से टीच कर सकेंगे। अभी बात हुआ क्या, अभी सुपासी या कुपासी का जो है, सुपासी बोल के कोई चीज नहीं है। सुपासी एक मैन मेड कॉम का नाम है। अब अगर आप किसी के जानकारी लेने के लिए कहाँ जाइएगा, कोई लोहा का मिस्त्री के पास जाइएगा, दादरी वाला को जाइएगा, या विकिपीडिया देखिएगा, या आप देखिएगा गूगल देखिएगा, सीरी देखिएगा, सब देखिएगा जानकारी के लिए। मतलब इन्फॉर्मेशन सेंटर तो वही है ना, जानकारी के लिए हम लोग उधर जाने पड़ेगा। अब विकिपीडिया में जाइए, वो लोग कहता है कि ढाका का जो जबान है पुराना उर्दू है, उसको ढाका ये उर्दू बोलता है। कोई सुपासी खुपासी नहीं, सुपासी बोल के कॉम का नाम हो सकता, वो भी मैन है। ये गलत फहमी है सुपासी बोल के बाइक आउट कर देंगे। हम लोग अगर हमारे बच्चों को ये सब नहीं सिखाएंगे तो सुनो, नेक्स्ट 5 or 10 years लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज में बताया पूरा मर जाएगा, कोई नहीं होगा इसके अंदर। तो हम लोग इसलिए हम लोग को बच्चों को इंकरेज करना है, देखो ये जमान पे ऐसा बोलो खुदा और गाली गंदा रहा है, ऐसा नहीं बोल के अच्छे से हम लोग सिखाना है, फिर हम लोग को प्रैक्टिस भी करना है, बच्चों को टीच भी करना है। ये हमारा जो एजेंडा है आज का। तो सुनिए जी, अभी जो हम देख रहे हैं, टाइम बहुत कम है, सभी को इधर अच्छे आदमी लोग बैठे हुए, इनको भी वक्त देनी चाहिए। तो इस दौरान मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई किस्म का गलती या गुस्ताखी हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब नजरअंदाज करेंगे। ये कहकर मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।